ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਵੈੜੇ ਤੇ ਊਂਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚੱਪਲ ਕਬਾਬ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਔਰ ਈਦ ਮਜ਼ੇ-ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚੱਪਲ ਕਬਾਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਨੇ ਮੈਂ 4 ਪਿਆਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪਰ 'ਚ ਚੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਮੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈ ਰਵੇ ਔਰ ਕੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬਾਬ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਬਾਬ ਖਾਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫਲੇਵਰ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਕੱਟ ਔਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਚੌਪ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕ ਜੂਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ देखो कितना ज़्यादा पानी है प्याज के अंदर कि सारा पानी कबाबों से जाएगा तो कबाब सारे खराब हो जाएंगे और वो तवे पर ठहरणगे नहीं और सारे बिखर जाएंगे इस वास्ते प्याज का पानी चंगी तरह दबा के चंगी तरह काढ़ लो देखो कितना पानी प्याज का निकलिया है हुण असीं कीमे दे विच पाने ने तकरीबन ने 5 टमाटर ने दरमियाने साइज दे टमाटर वड्डे होण ते तुसीं 4 लै लो इन्हां 4 इन्हां नूं मैं करांगी 4-4 टुकड़िआं दे विच इन भी असीं चौपर के अंदर हल्का जिहा चौप कर लांगे ताकि इन्हों का और उस तो बाद असी पानी कट के टमाटर का चंगी तरह तो फिर असी इन कीमे के बच्चे रला लाँगे हूँ मैं टमाटर कट के 4 हिस्सों से कर लैनी हाँ और इन्हों मैं बीज कट देंगे और बाकी मैं चौपर से चौप कर लाँगे यह देख लो ये सारे कट के कर लाँगे तैयार हूँ इन्हों का जोड़ा एवरेज हिस्सा है बीज वाला यह मैं सारा रिमूव कर दाँगी यह देखो यह सारे निकल गए और टमाटर कर लाँगी चौप 5 टमाटर ने मैं चौपर चौपर च पा लाँगी और तकरीबन 12 हरिया मिर्चा ही ने इन्हों मैं चौपर च पा लाँगी हम टमाटर तो मिर्चा असं मिला के चौप कर लाँगे थोड़ा जिन्ना यह देखो हम टमाटर तो मिर्चा मैं ऐसे करके बना लेते हैं मैं एक बाउल च कढ़ के इन्हों का पानी चम्मच के नाल कढ़ लाँगी और फिर इन्हों मैं कीमे च रला लाँगी हूँ मैं कीमे जो मसाले पाने में चाहेगा सुखा धनिया 2 टेबल स्पून इन मैं पा लाँगी फ्राई पैन च अजवाइन 1/2 टी स्पून यह चली गई कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टेबल स्पून यह चली गई और जीरा 2 टेबल स्पून और बेसन मकई का आटा है यह मैं कबाबा च पावगी कबाबा जोड़न वास्ते बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा और तो खाओगे तो बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा मकई के आटे की वजह ना और इन्हों मैं कर लाँगी थोड़ा जिना तवे से रोस्ट करके फिर मैं तुम दिखाई इन्हों मैं रोस्ट करके फिर इन्हों मैं करूँगी ग्राइंडर के अंदर और मैं तुम दिखाती जावगी यह सारे मसाले मैं फ्राई पैन च पा के भुन लाँगी ये ऑयल नहीं पाना इन असी खुश्क थोड़ा जिना हल्का जहाँ भुन के तो फिर असं करना है ग्राइंड ताकि जरा सुखा धनिया है तो जरा जीरा है तो जी अजवाइन है मिर्चा ने अच्छी तरह हल्किया जी रोस्ट हो जाए उन्होंने हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी तो मैं चुल्हा बंद करके उन्होंने करूँगी ग्राइंड हम मकई का आटा देखो हल्का जहा हो गया है गोल्डन मैं हल्का जहाँ रोस्ट कर लेते जलाना नहीं है बस हल्का जहा गोल्डन करना है हूँ मैं इन पा दाँगी एक ग्राइंडर के और सारा मसाला पा के असं कर लाँगे ग्राइंड ताकि जड़ी कुटी हुई लाल मिर्च है जीरा है तो सुखा धनिया है और ग्राइंड हो जाए पहला हूँ साड़ा बड़ा सोहना हो गया है ग्राइंड हूँ इस मैं पावगी 2 टेबल स्पून अनारदाने के अनारदाना देखो सारा चला गया जी अंदर अनारदाने ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बिल्कुल बाजार जैसा तो मैं दोबारा अनारदाना भी ग्राइंड कर लाँगी हूँ कीमे मैं चंगी तरह मिक्स कर लिता चंगी तरह ला लिता हूँ इस पावे असं सब तो पहले प्याज
प्याज का पानी मलमल के कपड़े च पा के कढ़ लिता सी वह असी ये रला देंगे। प्याज पा के ना बिच असी चंगी तरह कर लेना मिक्स। हम प्याज में असी चंगी तरह रला दिता, देखो प्याज ये मिक्स हो गया है। आ देखो और प्याज ये देखो बीच बीच छोटा छोटा नज़र आ रहा, लेकिन इसे चंगी तरह मिक्स हो गया। हूँ असी पावे ये टमाटर जोड़े असी ग्राइंड किए सन, इन्हों का पानी मैं चम्मच के नाल अच्छी तरह कढ़ लाँगी। टमाटर का बास्केट पा के और मैं पा दूँगी टमाटर पा के असं दोबारा मिक्स करा। मैं नाल नाल चीज़ा पाती जावगी और नाल नाल मिक्स करती जावगी। हम टमाटर पा के चंगी तरह कर लेता है मिक्स। हूँ इतने जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक 2 टेबल स्पून, अदरक मैं ग्राइंड कर लेता है, और लहसुन जाएगा जी 1 टेबल स्पून, और नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, और यह आ गया जे मसाला जो असी ग्राइंड किया ग्राइंडर के अंदर, वह मैं सारा जो अंदर पा देंगे। चलो जी हूँ असं सारे ने चंगी तरह रला लाँगे, देखिए चंगी तरह मिक्स हो जाए। अपने हाथ से दस्ताना पा लो डिस्पोजेबल तो आराम ना मिक्स कर लो, ताकि जी मिर्चा ने बाद चले हाथों भी ना लगन। देखो इन्होंने चंगी तरह असी करना है मिक्स, तो कि सारा मसाला लहसुन अदरक और टमाटर प्याज सब एक जान हो जाए। मसाला असी चंगी तरह कर लिया सारा मिक्स, ना फिर रह गया धनिया पुदीना। यह पावे इसे धनिया पुदीने तो बगैर तो कबाबा का मज़ा ही कोई नहीं, क्योंकि पुदीने की खुशबू जो आती ना कबाबा जो बहुत ही अच्छी लगती है। हम इसे कर लाँगे चंगी तरह मिक्स, और फिर मैं टिक्कियां बना के तुम दिखावगी किस तरह तवे पानिया ने और किन्ने तेल से असी फ्राई करना। सारे ट्रिक्स ते टिप्स मैं तुम दस दाँगी, ताकि ना कीमा ज़ाया हो ना तेरा मसाला ज़ाया हो, और ईद तो तुम अपने कीमे या गोश्त अच्छी तरह पका के मज़ा लो। असी लवेंगे कीमे का एक बना लेंगे गोला, यानी कि एक बड़ा कोफ्ता बना लो, बना के दोनों हाथों के इस तरह मुलायम कर लो कि सारा इक्वल हो जाए और इस कोई जोड़ ना रहे। करन तो बाद तुसी रख लो एक प्लेट के अंदर, फैला लो इन्हें इस तरह फैला लो कि किनारे सारे कुछ रहन रसली ना हो। देखो इन्हें सारा इकट्ठा कर लेता और इन्हें कबाब की शेप दे दी है, और जो बाजारा के बनाते हैं वह भी इस तरह ही करते हैं, कोफ्ता जहा बना के तवे पर रख लेंगे, तवे पर दबा दबा के उन्हें वड्डा कर लेंगे। हूँ मैं इस तरह इन जोड़ लिता, ये किनारे सारे कुछ इक्वल कर लेते हैं, तुम भी इस तरह करके एक करके बना लो और तवे पर पाई जाओ। हूँ मैं पावगी तवे पर इतना कि अच्छी तरह डूब जाए, आंच हल्की कर लो, बहुत ज़्यादा तुम तेज़ आंच तो नहीं पाना, ताकि यह ना आए कि कीमा कबाब बाहरों सड़ जाए और अंदरों कच्चा रह जाए। हूँ तुम कबाब ने तो उतार लो बाद में तुम ये पा दो जाए। इस तरह मैं दूसरा पावगी और इन्हें मैं हल्की अग से पका ली जावगी। इन्हें तेल पाते जाओ कबाबा के उ, देखो तेल पाने उत्तों पकते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कबाब साढ़े हो गए ने देखो बन के तैयार, खस्ता तो मज़ेदार। यह देखो साढ़े सॉफ्ट कबाब बिल्कुल बन के तैयार ने, यह देखो बिल्कुल सॉफ्ट है ने, बड़े ही मज़ेदार और चटपटे। जरूर बना के ट्राई करना और सलाद और रोटी के नाल खाना, तो जरूर इंजॉय करना। दुआवां च याद रखना। अल्लाह हाफिज़।